नमस्ते व्यूअर्स, आज की ये वीडियो मिस्टर राकेश झुनझुनवाला जी के लिए बनाई गई है। आप सब लोग जानते हैं कि उनका देहांत हो चुका है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 5 जुलाई 1960। तो आज का ये जो वीडियो है, हम उनकी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर बातचीत करेंगे और क्यों ये इवेंट उनकी लाइफ में इसी समय हुआ इसके बारे में बात करेंगे, और क्यों वो इतने ज्यादा इंटेलिजेंट थे, ऐसे क्या नंबर थे उनकी डेट ऑफ बर्थ में जो ये बताते हैं कि वो एक बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और शार्प माइंड पर्सन थे। तो आप इनकी डेट ऑफ बर्थ को ध्यान से अगर देखेंगे, इनकी डेट ऑफ बर्थ आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 5 जुलाई 1960। बर्थ नंबर इनका 5 है और इनका लाइफ पाथ नंबर 1 बन रहा है। तो बर्थ नंबर 5 होने की वजह से हमें ये पता चलता है कि ये पर्सन जो है बहुत ज्यादा बुद्धिमान होंगे। बुद्धि का नंबर है, मर्करी का नंबर है, तो नेचुरली ये हमें पता चलता है कि बुद्धिमान होंगे। लेकिन इनका लाइफ पाथ नंबर 1 होने की वजह से ये चीज हमें पता चलती है कि ये पर्सन स्टडी बहुत करते होंगे। मतलब स्कूल टाइम में तो स्टडी इन्होंने की होगी, कॉलेज में स्टडी की होगी, हायर स्टडीज की होंगी। इसी के साथ साथ 5 और 1 नंबर का कॉम्बिनेशन हमें बताता है कि हर एक परीक्षा में सफल होना। मतलब अगर इंसान ने एक चीज अपनी लाइफ में सोच ली कि मैं ये काम करने वाला हूँ, तो उसके बारे में डिटेल्ड स्टडी करके जाएंगे, पूरा इंटरनेट खोल देंगे, किताबें खोल देंगे, हर चीज खोल के पी जाएंगे। 5 और 1 नंबर का कॉम्बिनेशन ऐसा है। और अगर आप इनकी अर्ली लाइफ के बारे में सोचें, आपको पता होगा कि इन्होंने जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट अपनी लाइफ में जो की थी वो 1985 में की थी, और देन उसके बाद 1986 का भी इनका इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। अगर आप इनकी लाइफ को थरली स्टडी करेंगे तो आप ये सारी चीजें जान पाएंगे। तो अभी हमें पता है कि रिसेंटली इन्होंने एक एयरलाइंस का भी जो है बिजनेस स्टार्ट किया था, तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये उस चीज को ज्यादा इंजॉय नहीं कर पाए इनकी लाइफ में, तो इनकी जो है डेथ हो गई उससे पहले। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ का मैं आपके साथ और डिटेल में विश्लेषण करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो इनका बर्थ नंबर जो है 5 है, लाइफ पाथ नंबर 1 है, एक दूसरे के साथ न्यूट्रल रिलेशनशिप रखते हैं। इनका नेम नंबर जो है वो 63 से 9 बनता है, जो कि 63 से 9 एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। 2 गुरु यहाँ पे मिल रहे हैं, अगेन पढ़ाई, इंटेलिजेंस, बहुत सारा ज्ञान यहाँ पे हमें बता रहा है, लेकिन टोटल नंबर उसका 9 बनता है, जो कि इनके लाइफ पाथ नंबर 1 के लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, लेकिन इनके बर्थ नंबर के लिए बहुत ज्यादा एंटी है। मतलब कि एक होता है ना नामचीन दुश्मनी, वो वाला कॉम्बिनेशन है ये। क्योंकि अगर आप मंगल और बुध को एक जगह रखेंगे तो ये कभी भी एक दूसरे की तरफ सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि जो बुध है वो बुद्धि का कारण है, वो होश का कारण है, और जो आपका मंगल है वो आपके जोश का प्रतीक है, वो आपको जोशीला बनाएगा। तो किसी भी इंसान के अंदर जोश और होश एक साथ काम नहीं कर पाते हैं। या तो कोई इंसान बहुत ज्यादा जो है कूल माइंड होके काम कर पाता है, और या फिर मंगल की सपोर्ट से कोई भी इंसान बहुत ज्यादा जोश के साथ काम कर पाता है। तो किसी भी इंसान के अंदर ये दोनों चीजें बैलेंस बहुत कम देखी जाती हैं। इसी तरीके से इनका जो नेम नंबर 9 है वो इनके लाइफ पाथ नंबर 1 को सपोर्ट कर रहा है, इनके भाग्य को पूरी पूरी सपोर्ट है उसकी, लेकिन इनके बर्थ नंबर को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है। तो नेम नंबर का जो कॉम्बिनेशन है वो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि 63 से इनका 9 बन रहा है, जो कि अच्छा है। अगर इस समय की हम बात करते हैं इनकी डेट ऑफ बर्थ में, मैं आपके साथ इनका ग्रिड शेयर करना चाहूंगी, जिस ग्रिड के ऊपर अभी हमने काम किया है, जो कंप्लीट एनालिसिस है मैं आपका इनके साथ शेयर करूंगी। इस समय इनकी नंबर 7 की जो है महादशा वो चली हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से और इस समय कैसे काम हुआ है इनकी जिंदगी में, वो भी हम देखेंगे अभी। तो सबसे पहले उनकी डेट ऑफ बर्थ को हम ग्रिड में डाल लेंगे। आपको जब भी किसी की डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस करना है तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से ग्रिड बनानी है, और कोई भी अगर आपको करंट इवेंट कैलकुलेट करने में दिक्कत आ रही है तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं।
हमारा जो कांटेक्ट नंबर है वो आपको वीडियो के लास्ट में दे दिया जाएगा। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ है 5th of July 1960। तो इनकी बेसिक डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो नंबर जिस जगह पे आते हैं हम इस ग्रिड में वहीं पे डाल देंगे। नंबर 5 की प्लेस पे नंबर 5 को डाल दिया, नंबर 7 की प्लेस पे हमने नंबर 7 को डाल दिया। देन उसके बाद इनके पास नंबर आ रहा है नंबर 6। 6, 7, 5 जो है इनके पास परमानेंटली यहाँ पे आए हुए हैं। तो इस समय इनकी 7 नंबर की ही महादशा चल रही है, जिसमें इनकी 6 नंबर की अंतर्दशा चली हुई है। तो मैं यहाँ पे नंबर 7 जो है एज अ MD भी साथ में लिख रही हूँ। तो आप लोग भी बिल्कुल इसी तरीके से इस ग्रिड को ड्रॉ कर लेना, बना लेना अपनी नॉलेज के लिए अपने पास। तो 6 नंबर की इनकी अंतर्दशा चली हुई है इस समय, और उसके बाद इनका गोचर जो है वो 4 नंबर का चला हुआ है। इनका गोचर जो है वो 4 नंबर का चला हुआ है, और ये आपका तकरीबन जो चलेगा नेक्स्ट जुलाई तक चलेगा। और इस ग्रिड को अगर आप लोग ध्यान से देख चुके हैं, ड्रॉ कर चुके हैं, तो हम इसको हटा देते हैं स्क्रीन को और फिर डिटेल में बात करते हैं। इनकी 7 नंबर की महादशा जो है वो नेक्स्ट जुलाई में खत्म हो जाती, ठीक है। उसके अंदर 6 नंबर की अंतर्दशा चल रही है, तो इसका मतलब कि धन की इस समय इनको कोई कमी नहीं थी, अच्छा कामकाज इनका चल रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके गोचर में 4 नंबर शुरू हो गया, जो कि लास्ट जुलाई के मंथ से हुआ है और नेक्स्ट जुलाई तक चलता। तो वो 4 नंबर जैसे ही आया है, इनकी तबीयत जो है वो खराब हुई है। इनका 77 की वजह से इनकी जो तबीयत है खराब हुई है, और नंबर 4 जो है काल का नंबर होने की वजह से ये लॉन्ग सरवाइव नहीं कर पाए, खुद को बचा नहीं पाए। अगर यही तबीयत इनकी इनके जन्मदिन से पहले खराब होती तो वो क्योरेबल होती। हो सकता है कि इनको कोई प्रॉब्लम उस समय छोटी मोटी आई भी हो, लेकिन वो क्योरेबल होती। क्योंकि इनकी तबीयत अब भी खराब हुई है, तो ये 4 नंबर जो है इसलिए बंधन योग एक्टिवेट कर दिया है। बंधन योग का मतलब आप सब लोग जानते हो बहुत अच्छे से, हमारे जो व्यूअर्स हैं, बंधन योग में क्या क्या चीजें हम इंक्लूड करते हैं। तो वही बात है कि इनकी तबीयत खराब हुई है और जिसकी वजह से ये आगे सरवाइव नहीं कर पाए। तो इसी तरीके से और भी डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस हम करते रहेंगे टाइम टू टाइम। अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन जरूर दबाएं, ताकि हर नई वीडियो का अपडेट आपके पास आ सके। थैंक यू।